साउथ और हिंदी जगत के जाने माने एक्टर कमल हासन हॉस्पिटल में एडमिट है। रिपोर्ट की माने तो कमल हासन हैदराबाद से जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी, जिसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि अब कमल हासन स्टेबल है और उनका इलाज भी चल रहा है। हॉस्पिटल से अब तक कोई जानकारी उनके हेल्थ पर नहीं मिल पाई है। खबरें हैं कि कमल हासन को बुखार था जिसका उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया था, हालांकि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। हाल ही में कमल हासन को लेजेंडरी डायरेक्टर के विश्वनाथ संग देखा गया था। सोशल मीडिया पर दोनों की कई फोटोज भी वायरल हुई थी। आजकल कमल हासन रियलिटी शो बिग बॉस 16 तमिल सीजन 6 को होस्ट करने में व्यस्त चल रहे हैं। पिछले 6 महीनों से वो इसके लिए शूट भी कर रहे थे। ये रियलिटी शो तमिल टीवी पर हिट साबित हो रहा है। 23 नवंबर को कमल हासन ने उन्हें हल्का बुखार होने की शिकायत की थी। वो थोड़ी बेचैनी भी महसूस कर रहे थे। हैदराबाद से लौटने के बाद चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कमल हासन को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और उन्हें कुछ दिन घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। रिपोर्ट है कि कमल हासन डिस्चार्ज तो हो गए हैं, हालांकि उनकी और उनकी टीम की ओर से इस पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वर्कफ्रंट की बात करें तो कमल हासन डायरेक्टर शंकर की फिल्म इंडियन टूम्ब की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। इसके साथ वो बिग बॉस तमिल सीजन 6 की भी शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को थोड़ा स्ट्रेस और थकावट हो गई है। जब कमल हासन इंडियन 2 की शूटिंग कर लेंगे तो वो डायरेक्टर मणिरत्नम के साथ काम शुरू करेंगे। फिल्म का नाम है KH-234। इसके अलावा कमल हासन के पास डायरेक्टर पार रंजित की भी एक फिल्म है जिस पर अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। फिल्म का टाइटल तक रिवील नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।